नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर। आपके साथ मैं हूँ रमन शर्मा। एक बार फिर से लाया हूँ आप सभी के लिए किडनी डाइट से जुड़ी कुछ ज़रूरी जानकारियाँ देने के लिए एक खास पेशकश प्रोग्राम, जिसके लिए हमारे साथ डाइटिशियन शिल्पा मौजूद हैं। वेलकम टू द शो शिल्पा। थैंक यू सो मच। आज हम बात करेंगे किडनी श्रिंकेज पेशेंट को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, लेकिन इससे पहले हम शिल्पा से जानेंगे कि किडनी श्रिंकेज क्या है। रमन, सबसे पहले किडनी श्रिंकेज तब होता है जब किडनी किसी डिजीज़ की वजह से सिकुड़ने लगती है। इस लेवल पर किडनी डायलिसिस या प्रिस्क्राइब मेडिसिन पे ही काम कर पाती है। लेकिन डायलिसिस और प्रिस्क्राइब मेडिसिन एक आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट है जो कि हमेशा के लिए नहीं होती, इसलिए इसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है आयुर्वेदिक। शिल्पा, किडनी श्रिंकेज पेशेंट को डाइट के बारे में जानना क्यों इम्पोर्टेंट है? रमन, अगर कोई पेशेंट श्रिंकेज किडनी की बीमारी से परेशान है तो आपको डाइट में प्रोटीन, सोडियम और पोटेशियम को लिमिट करने की सलाह देते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स को ध्यान रखकर के ही आप किडनी की बीमारी को होने से रोक सकते हैं। यदि पेशेंट श्रिंकेज किडनी की बीमारी से सफ़र कर रहा है तो उसे रीनल डाइट प्लान को ही फॉलो करना चाहिए। जैसा कि शिल्पा आपने बताया प्रोटीन इंटेक के बारे में, तो जो किडनी श्रिंकेज के पेशेंट होते हैं उनको आप प्रोटीन इंटेक करने के लिए क्या एडवाइस करेंगी? रमन, प्रोटीन फूड प्रोडक्ट का इंटेक लिमिटेड करना चाहिए। हाई अमाउंट में प्रोटीन कंज्यूम करने से सेकेंड किडनी पर भी इम्पैक्ट हो सकता है, जो कि पेशेंट की बॉडी दूसरी बीमारियों का भी कारण बन सकती है। पेशेंट फिश और चिकन खा सकते हैं बट लिमिटेड क्वांटिटी में, लेकिन डॉक्टर और डाइटिशियन की एडवाइस में ही उनकी क्वांटिटी डिसाइड करें। अच्छा शिल्पा, जो किडनी श्रिंकेज के जो पेशेंट होते हैं उनको अपनी डाइट में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? रमन, फर्स्ट है कि ऐसे पेशेंट अपनी डाइट में पोटेशियम की क्वांटिटी लो रखें। वेजिटेबल्स को पील और लीचिंग करके ही यूज़ करें। लीचिंग के लिए वेजिटेबल्स को बॉयल वाटर में डालें, फिर स्ट्रेन करके ही कुक करें। सेकंड है, सोडियम के इंटेक को कम करें। कोशिश करें कि नमक का यूज़ खाने में लिमिटेड हो या काफ़ी कम हो। स्पेशली अगर पेशेंट को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो हाई सोडियम फूड्स भी पेशेंट की किडनी पर प्रेशर डालती है। लास्ट है, पेशेंट अपने डाइट प्लान में कुछ चेंजेस करें, जैसे कि हेल्दी फूड ही खाएं, विटामिंस के इंटेक को बढ़ाएं, खाने में सॉल्ट को भी कम करें, हार्ड ड्रिंक जैसे अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ना करें। इससे पेशेंट की बॉडी में अनदर ब्लड पैरामीटर्स फ्लक्चुएट हो सकते हैं जो कि पेशेंट के लिए बिल्कुल सही नहीं है। शिल्पा, जाते जाते एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, किडनी श्रिंकेज को ठीक करने के लिए पेशेंट को कौन से प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए? रमन, मैं यही एडवाइस करूंगी कि सबसे पहले पेशेंट स्मोकिंग ना करें। सेकंड है वेट मैनेजमेंट। थर्ड है, पेशेंट को अपने डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना चाहिए। लास्टली मैं सजेस्ट करना चाहूंगी कि कोशिश करें कि पेशेंट पेन रिलीफ मेडिसिन मीन्स पेन किलर्स ज़्यादा ना लें। तो आज हमने आपको बताया किडनी श्रिंकेज के पेशेंट को अपनी डाइट में कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी एडवाइस चाहिए या आप किडनी की किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र से इलाज करवा सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा में आयुर्वेदिक हर्ब से बनाई गई दवाइयों से इलाज होता है। अगर आपको किडनी श्रिंकेज की प्रॉब्लम है या फिर किडनी श्रिंकेज से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप डाइटिशियन शिल्पा से या फिर कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। शिल्पा, आप हमारे साथ जुड़ी, हमारे दर्शकों को इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और अगर यह जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको टाइमली किडनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।